एकदम परफेक्ट वाली राजस्थानी दाल और बाटी की रेसिपी एकदम बढ़िया और बिना फ्राई किए बनाएंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे स्पेशल वाली लाल चटनी। तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दाल बनाने के लिए 1 कप छिलके वाली मूंग की दाल ली है। अब इसमें आधी से भी थोड़ी तुवर दाल लेंगे और आधी से भी थोड़ी चना दाल ऐड की है। अब चाहे तो बिना छिलके वाले मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे 1 से 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर इसे एक प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े ग्लास पानी ऐड किया है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। इसे मिक्स करके कुकर को बंद करके 5 से 6 व्हिसल आने तक कुक कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के नाप से 3 कप गेहूं का करकरा आटा लिया है। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन को हाथों की मदद से मैश करके ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया से आए। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब नमक। फिर इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी। फिर इसे बराबर से मिक्स कर लेना है। ये बाटी घी में बहुत बढ़िया बनती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसमें मूंग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है ताकि हमारी बाटी एकदम खस्ता बने। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मीडियम थिक डो बना लेना है। डो को एकदम सख्त भी नहीं बनाना है और एकदम नरम भी नहीं बनाना है। फिर इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। अब हम प्रेशर कुकर खोल के चेक करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी और इसे बराबर से मिक्स कर लेंगे। अभी ये ठीक लग रहे हैं तो फिर मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से दाल को बना सकते हैं। अब दाल को तड़का देने के लिए 1 पैन में लिया 2 चम्मच ऑयल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। फिर इसमें डालना है 1 चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और 3 लौंग। फिर इसे बराबर से मिक्स कर लेना है और अच्छे से 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेना है। फिर इसमें डालना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। अभी पक जाए तब इसमें डालना है प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज की प्यूरी ली है। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। फिर इसमें डालना है टमाटर। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की भी प्यूरी ली है। आप चाहे तो इसमें टुकड़े ऐड कर सकते हैं। फिर इसे मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। इसमें टमाटर के हिसाब से डालना है थोड़ा सा नमक और 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेना है। अब हमारी ग्रेवी पक चुकी है तब इसमें डालेंगे दाल। दाल को ऐड करके इसे बराबर से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़े बेसिक से मसाले। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इसे बराबर से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है पकने के लिए। अब हम बाटी बनाएंगे। तो बाटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था बाफला बाटी बनाने के लिए। अगर आपको बाफला बाटी की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अब इसकी 1 साइज़ की लोइया बना लेनी है। लुइया बनाकर आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे गोल शेप देकर उंगली की मदद से गड्ढे कर लिए इसमें। इस तरीके से सारी बाटी मैंने बना ली है। फिर एक बर्तन को मैंने 2 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। फिर इसमें डालेंगे सारी बाटी और कवर करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है। तब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला और हरी धनिया पत्ती। फिर इसे बराबर से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी एकदम परफेक्ट वाली राजस्थानी दाल। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड में रख देंगे। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो कवर हटाकर सभी बाटी को पलटा लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड से बाटी थोड़ी थोड़ी पकना शुरू हो चुकी है। तब इसे भी कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब दोनों साइड से ये पक चुके हैं। तब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा घी और कवर करके पकने देंगे। तब तक हम बनाएंगे लाल चटनी। तो यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च ली है। इसे भिगो कर छोड़ा था थोड़ी देर के लिए। एक मिक्सी में लेना है लाल मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कली, कश्मीरी लाल मिर्च,
थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, फिर इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी। इसे कवर करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए, तैयार है हमारी एकदम परफेक्ट वाली लाल चटनी। अब हमारी सभी बाटी भी तैयार है, तब इसे फटाफट से सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी एकदम परफेक्ट वाली राजस्थानी दाल बाटी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप देख सकते हैं कि एकदम खस्ता और परफेक्ट बनी है हमारी बाटी। तब इसे जरूर से ट्राई करें और एंजॉय करें।